हाय, वेलकम टू बीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और हाल ही में ये देखा गया है कि इंस्टाग्राम पर आप ब्लू टिक खरीद सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंगेश हैं, जो कि फाउंडर हैं विल स्टार्ट मीडिया के, वैभव गुप्ता हैं जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं क्लुक क्लुक के, एंड वेदांत हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आप सबसे मैं बात करना चाहूंगी इस बारे में कि जो 699 या 799 वाला जो एक जैसे होम शॉप 18 में होता था ना, 999 की आप शॉपिंग कर लो, वैसे ही आपके पास अभी 999 टाइप का एक फिगर आ गया है कि आप अपना ब्लू टिक खरीद लो। ब्लू टिक सबसे ज्यादा रोल इसलिए प्ले करता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी दिखाता था, और अब कोई भी हो एक्सपायर्ड पर्सन वो उसको खरीद पाएगा। इस पर आप सबका क्या कहना है, मुझे प्लीज बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मंगेश से पूछना चाहूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगी। सो भावना, आई फील कुछ लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है एंड इट वैरीज एज पर द पर्सन। कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल यूजफुल चीज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जिनके लिए यूजफुल है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी आई एम ऑल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई हैव लैक्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। तो वहां पे हमारे फेक अकाउंट बनते हैं और उन फेक अकाउंट से बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया जाता है जो हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं, ऑल राइट, और उनसे पैसे वगैरह लिए जाते हैं। और बहुत केसेस में लोग अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो इन दैट केस वो लोग पैसे देते भी है। और ये चीज मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, मेरे कलीग जो इन्फ्लुएंसर्स है दूसरे, उनके साथ भी ये बहुत बार हुई है। तो अभी ये ब्लू टिक की वजह से क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम खुद वेरीफाई कर रहा है लोगों को कि हाँ यार, ये बंदा ओरिजिनल है, जेन्युइन है और इसी बंदे का अकाउंट है, तो ही उसे वो वेरीफाई करके ब्लू टिक दे रहा है। एंड आफ्टर दैट, अगर कोई फेक अकाउंट से किसी को रीच भी करता है, तो लोग उतने अभी समझदार हो चुके हैं कि वो देखते हैं अगर ये वेरीफाइड अकाउंट है तो फॉर श्योर ये बंदा खुद ही रीच आउट कर रहा है। अगर वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये फेक अकाउंट है, बिकॉज अभी इंस्टाग्राम पे नकली फॉलो बॉट फॉलोअर्स बढ़ाना, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं कि कोई तो एक अपना आपके अकाउंट यूजर नेम में थोड़ा बहुत चेंज करके थोड़ा वैसा ही दिखता है आपका यूजर नेम, और वैसा ही फेक अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है, सेम आपका प्रोफाइल वैसा डुप्लीकेट बना देते हैं वो, और उस पर फॉलोअर्स भी आपके आसपास ही कुछ रहते हैं। तो लोगों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि विच वन इज रियल एंड विच वन इज फेक। सो इन दैट केस, फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम लोग बात करें कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं है या फिर जो कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी नहीं है या फिर नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं, तो उनके लिए ये आई डोंट फील कि ये ज्यादा यूजफुल है। हाँ, अगर कुछ लोग इसको शो ऑफ के लिए भी यूज कर रहे हैं, बट इट्स ऑल अप टू द पीपल कि लाइक हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट। बट आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका और एक दो तीन ऐसे यूजर्स है कि इंस्टाग्राम के साइड से कुछ और सर्विसेस ये लोग दे रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सपोर्ट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक बेटर लेवल पे। तो या दैट्स द बेसिक थिंग्स दैट वी आर गेटिंग विद द ब्लू टेक। ब्लू टेक किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए कह सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है और कितना मायने रखता है, और इसको आप खरीद लेने से क्या कुछ इसके लाभ और हानि होने वाले हैं, आप प्लीज बताइए थोड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मंगेश से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लू टिक का मतलब होता था ऑफिशियल अकाउंट, बट इट डजेंट मीन कि लाइक अब जैसे आप कोई भी, आपने बोला ब्लू टिक ले सकता है फॉर 700 800 रुपीज। इवन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी ब्लू टिक ले सकता है। अगर मेरे को किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट बनाना है तो मैं उसका पैरेडी अकाउंट बना सकता हूँ और ओपनली उसका एक वेरिफिकेशन मिल सकता है। अभी इंस्टाग्राम के साथ फ्लो है, आपने एक अकाउंट आधार कार्ड के साथ, लेट से वैभव गुप्ता ने अपना वेरीफाई कराया आधार कार्ड के साथ, कोई सेकंड पर्सन वैभव गुप्ता का ही अकाउंट बना के उसके पैन कार्ड से वेरीफाई करा सकता है, और उसमें स्कैम के चांसेस और बढ़ रहे हैं। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल, सेम आपका ट्विटर पे हुआ था। सो जब ट्विटर ने ये रोल आउट किया था कि एनीवन कैन बाय द ब्लू टिक मार्क, सो देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पैरेडी अकाउंट क्रिएटेड लाइक ग्लोबली विद एलोन मस्क डीपी एंड द यूजर नेम, एंड काफी लोगों ने उसमें स्कैम किया था, स्पेशली इन क्रिप्टो वर्ल्ड। अगर आप थोड़ा सा लास्ट 2 महीने का देखेंगे, और इंडिया में फेक फॉलोअर्स को जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, सो इंडिया इज चैंपियन राइट नाउ, अच्छा, फेक सो फॉलोअर्स के लिए। चैंपियन फॉर बाइंग फेक फॉलोअर्स, सो वी आर नंबर वन। सो अच्छा। देर आर 8 मिलियन इंस्टाग्रामर्स हु हैज मोर देन 1000 फॉलोअर्स इन इंडिया। सो बेसिकली वी ट्रीट देम एज अ नैनो इन्फ्लुएंसर। एंड यू विल नॉट बिलीव, आउट ऑफ 8 मिलियन ओनली 2.4 मिलियन इन्फ्लुएंसर हैज एटलीस्ट 70% रियल फॉलोअर्स। सो वी आर सेइंग
लाइक से आउट ऑफ 60% इन्फ्लुएंसर इन इंडिया हैज मोर देन 60% फेक फॉलोअर्स एंड दीज आर वेरीफाइड नंबर्स एंड आउट ऑफ दैट 30% आर सेलिब्रिटीज विद ब्लू टिक मार्क. ओके सो द चैलेंज वॉज लाइक कि अर्लियर लाइक ब्लू टिक वॉज लाइक अ क्लब मेंबरशिप सो यू कैन आइडेंटिफाई लाइक ओके दिस इज अ जेन्युइन पीपल बट नाउ इट हैज बिकम लाइक अ लेट मी गिव अ वेरी क्लासिक एग्जांपल. पहले स्मार्ट वॉच आपके सिर्फ एप्पल यूजर के पास होती थी या फिर एंड्रॉइड जिसके पास महंगा फोन है सैमसंग का लाइक से 80K 90K बट नाउ एनीवन कैन बाय स्मार्ट वॉच विद लाइक फॉर 1,000 rupees. सो वी कैन कंपेयर ब्लू टिक लाइक लाइक इन अ वे कि अब ये किस सबके पास है तो अब क्रेडिबिलिटी चली गई है. और एंड देयर इज अ वेरी लाइक मिथ इन मार्केटियर दे बिलीव कि लाइक अपार्ट ऑफ ऑफिशियल अकाउंट इफ समवन हैज अ ब्लू टिक मार्क सो दोज इन्फ्लुएंसर हैज ऑथेंटिक फॉलोअर्स और द क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर बट ब्लू टिक से उसका कोई रिलेशन नहीं है. अब ब्लू टिक से आई थिंक कोई रह नहीं गया क्योंकि आप कोई भी अब 100 फॉलोअर वाला या 200 फॉलोअर वाला भी शख्स जो है वो दे सकता है लेकिन वो पहले भी था तो पहले क्राइटेरिया ये था कि अगर इफ यू आर अ पब्लिक फिगर एंड यू हैज अ डिसेंट आर्टिकल्स ऑन गूगल सो यू कैन अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए या आपके फॉलोअर्स रियल होने चाहिए. सो मैं आपको एक डेटा बताता हूँ जस्ट बिफोर दिस 800 वाला सब्सक्रिप्शन इंडिया में टोटल 17,800 प्रोफाइल्स थी जो वेरीफाइड थी. 17,800 आउट ऑफ 8 मिलियन जो आपका लास्ट लाइक विद इन अ मंथ रैंप अप करके 28,000 हो गया है. सो देयर इज अ बंप ऑफ ऑलमोस्ट 50%. और उसमें जो 50% है आपका जो बंप आया है वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स में आया है बिकॉज़ नाउ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बिलो लेट्स से 300-400,000 फॉलोअर्स एंड दे आर लाइक जस्ट बाइंग ब्लू टिक आउट ऑफ फोमो. सेकेंड इन्फ्लुएंसर ने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ. थर्ड ने लिया है मैं भी ले लेता हूँ. बिल्कुल गौरव, मेरा यही एक सवाल होने वाला था कि क्या ब्लू टिक इतना रियली इतना इम्पोर्टेंट है एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ में या फिर कोई भी जो सोशल मीडिया एक्स वाई जेड यूज कर रहा है. अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, इट्स लाइक अ फेदर इन अ कैप. बट अगर आपको नहीं मिलता तो क्या, अगर आपको नहीं मिलता तो आपकी जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती है ना इससे? सी, पहले ब्लू टिक की एक लाइक इम्पोर्टेंस थी सो उससे आप एक अलग लीग में आ जाते थे. इवन इन्फ्लुएंसर कैन लाइक चार्ज हायर फी टू द ब्रांड कि नाउ आई हैव अ ब्लू टिक मार्क बिकॉज उसके क्राइटेरियाज थे. आपको पब्लिक फिगर होना पड़ता है, आपको डिसेंट पीआर चाहिए. अब वो सब खत्म हो गया है एंड इवन इफ यू कैन सी जो भी 50% लोगों ने बाय किया है जब उनको वैल्यू नहीं मिलेगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से आफ्टर 5 or 6 months वो लोग स्टिक ही नहीं करेंगे. सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है यहाँ पे एंड देन देर इज अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी टू ऑल दोज ऑफिशियल अकाउंट. सो आपने देखा होगा कि ट्विटर ने आफ्टर 30-40 days एक नया अपडेट रोल आउट किया था. जितने भी ऑफिशियल अकाउंट हैं उनको उन्होंने ग्रे टिक मार्क दे दिया. ग्रे टिक मार्क कलर्स लेके आए थे वो डिफरेंट हाँ कलर्स लेके आए थे. सो इट्स लाइक कि ठीक है बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तो आप कुछ देखो एंड दे हैव क्रिएटेड अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम. सो वो क्रेडिबिलिटी धीरे 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 आपकी खत्म हो जाएगी. Okay. And there is a downside for celebrity. Then why they will stick with something जो कोई भी buy कर सकता है? कोई भी खरीद सकता है. Exactly. वेदांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप social media influencer हैं, तो अब लोगों का ये भी सवाल है कि भाई social media influencer को ही क्यों blue tick मिले, हमारे पास हक क्यों नहीं है, तो हम भी खरीद सकते हैं. But अब एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके लिए ये एक टास्क हो गया होगा क्योंकि अब तो सबके पास आपको ब्लू टिक मार्क दिख रहा होगा. यार भावना, आई थिंक ब्लू टिक का डेमोक्रेटाइज होना इज हाउ आई लुक एट इट. कोई भी खरीद सकता है इज नॉट अ बैड थिंग. एसेंशियली ब्लू टिक को वो दर्जा जो वेब बात कर रहे हैं कि वो अलग लीग में डाल देता था, सोशल मीडिया ने तो नहीं दिया, यूज करने वाला ने दिया था कि जिसके पास ब्लू टिक है वो हमसे ऊपर है. अब प्लेटफॉर्म, पहले ट्विटर ने क्या किया, उसने वो ब्लू टिक को सबके लिए स्टेबलाइज कर दिया. जो वेब बात कर रहे थे कि आर्टिकल्स होने चाहिए, मेरे पास आज से साल 6 महीने पहले तक ब्लू टिक इंडिया में ऑफिशियली वो सब्सक्रिप्शन लॉन्च होने से 2 दिन पहले तक मेरे पे ऑफर आया था कि आप हमें 2 लाख रुपए दो. हाँ. हम आपके आर्टिकल्स लिखवाते हैं और फिर आपका ब्लू टिक आ जाएगा. तो अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म में सोचू भी,
एग्जैक्टली जो पैकेज रेडी होता था उसमें आपके पास फेक फॉलोअर्स का ऑप्शन होता था, उसमें आपके पास ब्लू टिक का ऑप्शन बिल्कुल होता था, उसमें आपको बहुत सारे बिल्कुल। ऑप्शन होते थे, इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स, इतने कमेंट्स, इतना ब्लू टिक। तो तो अब पहले मैं अगर की बेसिक इकोनॉमिक सेंस में ही बात करूं तो वो 2 लाख रुपए एक बार देने से अच्छा है मैं 600 रुपए दे दूंगा, मेरा ब्लू टिक सस्टेन रहेगा, मेरे को डायरेक्ट सपोर्ट मिल पाएगा। आई थिंक इट इज अ ग्रेट थिंग कि वो ब्लू टिक डेमोक्रेटाइज हो चुका है, बिकॉज उसको वो जो दर्जा दिया था ना वो हमने दिया था, ऑडियंस ने दिया था, यूज करने वालों ने दिया था, सेलिब्रिटीज ने कभी नहीं मांगा था। इनफैक्ट मंगेश की बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा फायदा इसमें उन लोगों का होगा जिनके नाम पे स्कैम हो सकते हैं। मेरे नाम पे कितने सारे क्रिप्टो के चक्कर में स्कैम्स हुए थे कि वेदांत का अकाउंट है, मैं वेदांत बात कर रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स को मैसेज करे जाते थे कि आप हमें पैसे दो। तो सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि किसी इंसान का अगर अकाउंट है तो वो उसी का अकाउंट है, एंड इसमें वो ब्लू टिक आपको लेगेसी क्रिएटर बना देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, वो सारी बातें हम आपस में करते थे, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कभी नहीं कहता था। एंड जब हमने बात करी ट्विटर पे जो शुरुआत में दिक्कतें हुई थी, वो दिक्कतें अब पुरानी हो चुकी है, उनसे सीख लिया है प्लेटफॉर्म्स ने। अब की तारीख में मेरी एक फ्रेंड है, वो ना अपना सरनेम यूज नहीं करती अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, एंड उसको वेरीफाई करने के लिए अपनी आईडी देनी पड़ी थी, बट अपने सोशल मीडिया पर उसका सरनेम है, तो उसके चक्कर में उसका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ था, विच मीन्स कि अब चेक्स इन प्लेस है। तो अगर कोई इंसान है इसके ऑफिशियल आईडी से एक बार अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि वेदांत के आधार से हो गया तो वेदांत के पैन से कोई और कर सकता है, तो वो इम्पर्सनेशन बहुत कम हो गया है। एंड इनफैक्ट ट्विटर पे भी जो आप ग्रे चेक मार्क और गोल्डन चेक मार्क्स की बात करते हो, तो वो बहुत ही क्लियर है कि गोल्डन चेक मार्क्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनीज के लिए जिनको ट्विटर पे यूज करने के लिए ट्विटर को एडवर्टाइजिंग फी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है, ट्विटर के लिए वो रेवेन्यू सोर्स है, यूजर्स को पता चल जाता है कि असली ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जो ग्रे चेक मार्क है वो पर्टिकुलरली पॉलिटिशियंस के लिए है, तो पॉलिटिशियंस और नॉर्मल जनता में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, वो होना पता भी चलना चाहिए यूजर्स को, बाकी सबके लिए ब्लू चेक मार्क है। अगर मेरे पास ब्लू चेक मार्क है और शाहरुख खान के पास ब्लू चेक मार्क है, तो सबके पास सेम है, मुझे पता है कि मैं भी 700 रुपये या 500 रुपये महीने दे रहा हूँ, शाहरुख खान की भी टीम से कोई ना कोई दे रहा है, तो वो आई थिंक एक इक्वल प्लेइंग फील्ड कर देता है। एज मी फॉर मी एज अ क्रिएटर ऑन द इंटरनेट, मुझे पता है कि अगर मैं ट्वीट डालूंगा ऑब्वियसली शाहरुख खान को ज्यादा व्यूज मिलेंगे, बट जो मैं कर रहा हूँ वो भी वही कर रहा है। बट देन वेदांत, आपको नहीं लगता कि जब शाहरुख खान के पास भी ब्लू टिक मार्क है और आपके पास भी ब्लू टिक मार्क है, तो वो जो एक खाई है, वो जो एक कंपैरिजन जो होता है वो अब इक्वल हो चुका है आकर के, कि शाहरुख के बिल्कुल, पास ये तो ब्लू बहुत अच्छी टिक बात है मार्क है। ना, तो अब जैसे अल्टीमेटली वो तो ब्रांड्स अच्छी हैं, बात है ना। हाँ उन्हें जी ब्रांड्स हैं, अगर उन्हें आपके पास आना है या फिर उन्हें सपोज कुछ भी प्रमोशन करवाना है, तो क्या ऐसा, एक्चुअली मैं आप लोगों से सीरियसली पूछ रही हूँ, क्या ऐसा होता था कि वो ये देखते थे कि आपके पास ब्लू टिक मार्क है तो ही मैं आपके पास आऊंगा, या बिल्कुल नहीं है तो नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। इनफैक्ट ये एक और फायदा हुआ है ब्लू चेक मार्क आने का, मतलब डेमोक्रेटाइज होने का, अब ब्लू चेक मार्क वो डिफरेंशिएटर नहीं बनता। पहले ऐसा होता था कि उस पैकेज के चक्कर में आपने ब्लू टिक तो ले लिया, उसके चक्कर में आप एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हो। अब ब्रांड्स जो मेरे पास भी आते हैं, मेरे और क्रिएटर फ्रेंड्स के पास भी आते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, वो ये नहीं देखते कि आपके पास ब्लू टिक है या नहीं है, वो एक्चुअली ये देखते हैं कि आपकी ऑडियंस कितनी असली है और कितनी नकली है। अगर अच्छा, आपकी ऑडियंस उनको उसे असली कैसे है, पता आपके चलेगा? ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, यार उसको मैनेज मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं। इनफैक्ट वेब और मंगेश जी बता सकते हैं, आपका एंगेजमेंट रेट होता है, व्यूज टू लाइक्स का रेशियो होता है, कमेंट्स का रेशियो होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से मेजर करती हैं, बट बेसलाइन यही होता है कि आपको देखने वाले लोग कितने असली हैं और कितने बॉट हैं। जितने असली लोग होंगे उतना आप उसको प्राइस या फिर अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग चार्जेस डिमांड कर सकते हो। पहले वो ब्लूटिक का डिफरेंशिएशन था, अब वो नहीं है शायद। Thank you.